नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कहते हैं कि सियासत में तब तक बात नहीं बनती जब तक आपकी पृष्ठभूमि में अपराध का अंश ना हो, और ये बात बिहार की राजनीति में कुछ सालों तक बिल्कुल फिट बैठती रही। लेकिन वक्त बदला, सियासतदार बदले और साथ ही साथ बिहार की राजनीति का स्वरूप भी बदला। नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के बाद बिहार में गुंडा वाली छवि लेकर राजनीति के सिक्के चमकाना लगभग नहीं के बराबर हो गया। लेकिन बिहार में एक पार्टी ऐसी भी है जो आज भी अपने पुराने आपराधिक सतह पर ऐसे अडिग है जैसे पानी के बीच कोई कछुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी और आज की तेजस्वी के नेतृत्व वाली पार्टी राजद की। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम ये बातें क्यों कह रहे हैं, तो जान लीजिए ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि बिहार में होने जा रहा इस बार का विधानसभा चुनाव इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से दागियों के रिश्तेदारों को टिकट दे रही है, ऐसा लगता है कि अपराध के बल पर ही सत्ता पर काबिज होना चाहती है। पहले रेपिस्ट राजबल्लभ और अरुण यादव की पत्नी को टिकट दिया, फिर रात के अंधेरे में चोरी छिपे रामा सिंह की एंट्री हो गई। वही रामा सिंह जिनको यादवों का हत्यारा भी कहा जाता है, लेकिन अब वो बिहार की सियासत में फिर से अपनी पत्नी वीणा देवी के सहारे कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं। और राजद ने तो कहीं न कहीं इस बात पर मुहर भी लगा दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीणा देवी के महनार से चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस बार के चुनाव में अपराध की कई धाराओं में संलिप्त किस किस नेताओं को राजद ने अपना भरोसेमंद माना है। सबसे पहला नाम आता है राजबल्लभ यादव का, जिन पर रेप का आरोप है और जेल की सजा काट रहे हैं। लेकिन रेपिस्ट को पुरस्कृत करते हुए राजद ने उनकी पत्नी विभा देवी को पार्टी का सिंबल थमा दिया। वहीं दूसरी तरफ एक और रेपिस्ट अरुण यादव को पुरस्कार में टिकट दे दिया, उनकी पत्नी किरण देवी को प्रत्याशी भी बना दिया, जबकि अरुण यादव पर भी लड़की के साथ रेप करने का आरोप है। घटना के बाद से वो भी फरार है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हाथरस गैंगरेप की घटना पर मौन रखने वाले तेजस्वी यादव को रेपिस्ट को ही टिकट देने में कोई झिझक नहीं है। मामला अगर यही रुक जाता तो एक बात होती, राजद ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट थमा दिया जिस पर दर्जनों हत्या अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। उनका नाम है और कोई नहीं बल्कि अनंत सिंह। अब रात के अंधेरे में रामा सिंह को भी शामिल कराया गया और सिंबल भी थमा दिया गया, जबकि लालू प्रसाद के साथ काम करने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह ने इसका पुरजोर विरोध किया था और इसी के कारण उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में इस्तीफा भी दे दिया था। यही नहीं, वैशाली के राजपूतों ने भी रामा सिंह का खूब विरोध किया, लेकिन उनके विरोध का तेजस्वी यादव पर कोई फर्क नहीं पड़ा और आखिरकार उन्होंने रात में टिकट थमा दिया। इसके अलावा कई ऐसे लोगों को टिकट दी गई जिन पर मामले दर्ज हैं। राजद के एक और नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो नॉमिनेशन करने पहुंचे थे, नॉमिनेशन के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। सवाल ये है कि राजनीति का ये रंग आखिर फीका कब पड़ेगा। सवाल ये भी है कि राजद के इस फैसले का बिहार की जनता पर क्या असर पड़ेगा। और तो और सवाल उस कुर्सी का भी है जिस पर बैठकर नेताजी न्याय और अन्याय की तराजू को बैलेंस करेंगे। ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त बिहार की राजनीति से पनप रहे हैं, जनता जानना चाहेगी इनका जवाब भी, और ये भी कि आखिर अपराध में लिप्त इन नेताओं को अगर खुशकिस्मती से कुर्सी मिल भी जाती है तो उनकी नजर में अपराध की परिभाषा क्या होगी। आज न उठे कल न उठे, लेकिन चुनाव के बाद ये सभी के जेहन में सवाल उठने लगेगा, जिसकी जवाबदेही किसी और की नहीं बल्कि खुद अपराध के इस नाव को सहारा देने वाले उन सफेद पोशों की होगी। मगर अफसोस कि इसका ठोस ठोस जवाब किसी के पास नहीं होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।